अस्सलाम वालेकुम, हम ना विद इको 401, आप लोगों का लेसन नंबर 25 हो चुका है, उसके बाद लेसन नंबर 26 और 27 आप लोगों के फाइनल टर्म में इंक्लूड नहीं है। तो आज आपका लेसन है लेसन नंबर 28 लेसन का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले लेसन में कहा था आप लोगों का अब इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे चले गए हैं, मतलब मैक्रो लेवल पे आप लोगों ने इनको रीड करना है। ये जो यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है इसको अगर रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा एक दफ़ा, अगर नहीं भी करना तो स्किप कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, आप लोगों को ये क्विज़ में आ सकते हैं, वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई भी डाटा दे सकते हैं और आपको वो कहेंगे कि आपने मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, हाँ जी, मैंने आप लोगों को कुछ डेटा दे दिया, एक्स की वैल्यूज़ कुछ दे दी हैं, कुछ जो है वाई की दे दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने काउंट कर लेना था। अगर मैं आपको वो मैं कहूँ या आपको आपके एग्जामिनर सर कहें कि आप समेशन एक्स फाइंड करो, ठीक है, तो समेशन एक्स फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो कुछ यूं होता है कि आपने समेशन एक्स का फार्मूला बता देती हूँ, या आप मीन, ठीक है, समेशन एक्स को मीन कहते हैं, तो मीन इक्वल्स टू होता है आपके सम ऑफ कमोडिटीज या क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज QUANTITIES, ठीक है, ये आपका मीन का फार्मूला है। मतलब क्या है, आपने सम करना है क्वांटिटीज का, आपकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए मैं क्या करती हूँ आपको लिख के एक दफ़ा दिखा देती हूँ। मैंने समेशन एक्स निकालना है, समेशन का मतलब क्या होता है, मीन, ठीक है, तो मीन निकालना है एक्स की वैल्यूज़ का। मैंने क्या किया, 2 लिख रही हूँ पहली वैल्यू, प्लस आपकी ये सेकंड वैल्यू है 4 लिखा, फिर प्लस, फिर आपका 6 लिखा हुआ मैंने, और फिर प्लस और 6 8, मतलब 4 वैल्यूज़ हैं टोटल। ये आपके मैंने इन सारी जो है क्वान्टिटीज़ को ऐड कर दिया, सम कर दिया। डिवाइड करना है हमने किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, कि आपकी कितनी क्वांटिटीज ये मौजूद हैं। क्वांटिटीज के स्पेलिंग पता नहीं, हाँ जी गलत लिखे गए हैं, क्वांटिटीज, ठीक है। अब आप उन डिवाइड कैसे करना है, जितनी आपके पास ये नंबर से, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। आपने जब प्लस किया तो कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय आपका 4, ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 हो गया, तो आपका जो मीन आया वो 5 हो जाएगा। ये होता है मीन निकालने का आपका फार्मूला, मतलब आपका समेशन एक्स या मीन जो है एक्स का वो 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं 5 वाई का कहती हूँ कि आपने वाई का मीन निकालना है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 34 आ जाएगा, इनको प्लस किया, और डिवाइड हमने कितने किसे करना है, जितने ये नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 है, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और आपके पास y का आंसर आएगा 28.75, ठीक है। ये आपका आ गया मीन वाई का, मतलब आपको ये क्वांटिटीज हैं वो इस तरह टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं और आपको एक रिटर्न फॉर्म में भी दे सकते हैं, 2, 4, 6, 8, आपने उसी तरह उन कॉमास की जगह जो है प्लस लगा देना और उन वैल्यूज को काउंट करके डिवाइड कर देना और आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। मीन तो आ गया आपका, हाँ जी, अब आगे मीडियन के बारे में। मीडियन आपने दो, मतलब उनके फार्मूलाज होता है, कभी एक सीक्वेंस आ जाता है आपका इवन फॉर्म में और एक आपका ऑड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये मैंने जो है ऑड फॉर्म में लिख दिया, मतलब आपके पास ये कितने नंबर हैं, 7 नंबर, 7 नंबर कह लें, क्वान्टिटीज कह लें, जो भी हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4, तो ये आपको एक इवन नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमने मीडियन निकालना है,
ठीक है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमने दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब हम लोग दो तरीके इसलिए हैं क्योंकि एक इवन फॉर्म में चला जाता है और एक ऑड फॉर्म में चला जाता है। मीडियन फॉर ऑड जब करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपने कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, आप 11 13 14 जो भी लिखना चाहे। मेरा मकसद है आपको समझाना कि आपने मीडियन कैसे निकालना है। कोई भी आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसमें आपने क्या करना होता है, मीडियन निकालने के लिए एक टर्म ऊपर से छोड़ना होता है, ठीक है। मतलब मैं इसको अगर कट कर दूँ, कट कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह लास्ट वाले एक नंबर आपने कट करना है, लास्ट वाला नंबर हो गया। फिर एक उससे आगे वाला ऊपर से कट करेंगे आप, ठीक है, सीक्वेंस से चलना है, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर इससे ये वाला कैंसिल होगा, अब ये वाला कट कर दिया, ठीक है। फिर एक और अगर ऊपर से हम लोग कट करते हैं तो हमारा जो है वो नीचे से भी एक और ये 5 वाला कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 4 को कट करती हूँ तो आपके पास एक और नंबर नहीं है नीचे से कट करने का, तो ये जो 4 बच गया ना आपका, ये आपका मीडियन है। मीडियन इक्वल्स टू आपका जो आता है, मतलब जो रह जाता है वो नंबर आपका मीडियन होता है। उसी नंबर को एज इट इज आपने मीडियन में लिखना होता है। ये तो हो गया ऑड के लिए। अब आपका मीडियन करना है इवन के लिए, तो वो कर लेते हैं। मीडियन फॉर इवन है, ठीक है, EVEN, इवन। अब इसका मीडियन जब आपने निकालना है तो क्या करना है, एक नंबर ऊपर से कैंसिल किया, ठीक है, कैंसिल करने हैं, ठीक है, सीक्वेंस यही रखना है, एक ऊपर से कैंसिल, एक नंबर नीचे से कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करती हूँ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मीडियन कोई नहीं रहता। तो मकसद ये है मेरा बताने का आपको कि ऑड में आपके पास एक नंबर रह जाता है और वही मीडियन होता है, लेकिन इवन में आपके पास दो नंबर रहते हैं। दो नंबर जब रह जाएंगे तो आपने क्या करना होता है, 2 + 3, मतलब जो नंबर रह गए हैं दरमियान में उनको आपने प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, मतलब जितने नंबर्स को प्लस कर रहे हो उसको उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेटर पे और आप सॉल्व करना चाहते हो तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। अब आपका क्विज आया है तब आपने देखना है कि आपको पॉइंट्स में आंसर दिया तो पॉइंट में आपने आंसर लेना है, और अगर डिवीजन के फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, तो आपने इस तरह करना है। उम्मीद है मीन मीडियन जो है वो समझ आ गए होंगे। ये उन्होंने आपको इसी तरह ये टेबल दे दिया, ये देखे मैंने नीचे के फॉर्म में दिया था, इन्होंने इस तरह दे दिया। तो ओल्ड गवर्नमेंट है आपके पास, उनकी इनकम है ए की, ए पर्सन की 100 है, बी पर्सन की 110 है, सी की 120 है, डी की 130 है और ई की 140 है, ठीक है। वो कह रहे हैं आपने मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है, मीन और मीडियन। ओल्ड गवर्नमेंट का अलहदा से निकलेगा, न्यू गवर्नमेंट का अलहदा से निकलेंगे, दोनों अलहदा निकलने। मीन निकालने के लिए क्या करना था, ओल्ड गवर्नमेंट की सारी इनकम्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय आपने 5 का देना, 120 आ जाएगा। अब ओल्ड गवर्नमेंट की मीडियन निकालनी है तो मैंने क्या कहा था, पहली टर्म को कैंसिल किया, दूसरी टर्म को कैंसिल किया, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म यहाँ से कैंसिल, फोर्थ वाली टर्म कैंसिल, और आपके पास 120 सी वाला जो है वो मीडियन आ गया। इसी तरह आप न्यू गवर्नमेंट के भी निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रियल एंड नॉमिनल डेटा, ये क्वेश्चन दो नंबर का आ जाता था कि आपने डिफरेंस बताना है रियल और नॉमिनल डेटा का। तो नॉमिनल डेटा इज द डेटा विच इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, जो मनी के लिहाज से आप लोगों ने डेटा को रिप्रेजेंट करना है वो आपका नॉमिनल डेटा कहलाएगा, वाइल रियल डेटा इज द डेटा आफ्टर एडजस्टिंग नॉमिनल डेटा फॉर इन्फ्लेशन। ये आप एज इट इज याद करेंगे और ये डेफिनेशंस आ भी जाती होती हैं। ये पूरा जो लेक्चर है ना, ये वाला और इससे अगला, वो डेफिनेशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपकी GDPs आ जाएंगी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मैंने दो हाईलाइट किए हैं, आपको जो अच्छी डेफिनेशन लगे वो याद कर लीजिएगा,
एक अच्छे से याद कर लेना और एक को एक अच्छे से जो है ना वो क्या कहते हैं नजर में रख लेना, क्योंकि हमें नहीं पता क्विज में क्या पता आपके आ जाए जो आपने नहीं याद की हुई। तो एक को अच्छे तरीके से याद कर लेना, अगर दोनों को याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP, ये आपसे पूछ लिया जाता होता है कि GDP स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको बताना चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्विज के लिहाज से पूछ लेते थे। इज द वैल्यू ऑफ द टोटल फाइनल आउटपुट, ठीक है, वो वैल्यू जो आपने टोटल फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस किया है अपनी ही कंट्री में, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो वैल्यू जो आपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगाई है, जितनी भी टोटल सम करके आपने किए, लेकिन वो कहाँ पर आपने प्रोड्यूस किया है, आउटपुट्स कहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं, अपने ही कंट्री में ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। अब ये ड्यूरिंग अ गिवन ईयर जो है वो एक साल का होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये आपकी एक डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है वो उन्होंने आगे लिख दिया, यूजली वन ईयर, मैंने आपको येलो हाईलाइट कर दिया, मतलब आपका क्विज हो गया। हम वो कह रहे हैं GDP लाइक ऑल मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम इज अ फ्लो, ठीक है ना, जितनी भी आपके GDPs हैं वो क्या होती हैं, एक नेशनल इनकम है, आपकी अपनी कंट्री में कितनी इनकम हो रही है उसका फ्लो, ठीक है, वो सारा जो है आपके GDPs में शामिल हो जाता है और ये एक ईयर का वो कैलकुलेट करते हैं। नीचे जो लाइन अंडरलाइन की है वो मैंने देख ली, दिस इज द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल मेजर ऑफ हाउ मच आउटपुट आर इकोनॉमी प्रोड्यूस, ठीक है, ये सारा काम जो है गवर्नमेंट का है, उन्होंने करना होता है कि आपकी एक इकोनॉमी में या आपकी एक कंट्री में कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं वो सारा उन्होंने निकालना होता है, काम वगैरह सब कुछ उन्होंने कैलकुलेट करना होता है, मतलब यह कि गवर्नमेंट का काम है सब कुछ। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक, इनकी दो डेफिनेशंस हैं, उनको देख लीजिएगा, हाईलाइट मैंने की है, दोनों डेफिनेशंस हैं, दोनों याद कर लेते हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको एक याद होनी चाहिए और एक जो है आपको इतनी क्लियर हो कि आप उसको अगर क्विज में आता है तो अटेम्प्ट कर सको। अ फ्लो फिगर रेफर्स टू अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फ्लो क्या है, वो टाइम वो पीरियड जिसमें आपने किसी टाइम को कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना, वो फ्लो में आ जाता है। अ स्टॉक फिगर इम्प्लाइज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड देयरफॉर चेंजेस इंस्टेंटली, ठीक है, इसमें डेफिनेशन में जो है इतनी आपको समझ नहीं आई होगी, नेक्स्ट जो है वो आसान भी है और अच्छी भी है, उनमें समझ आ जाएगी। फ्लोज एक्युमुलेट इनटू स्टॉक्स, ये आपका क्विज भी हो सकता है। चेंजेस इन स्टॉक्स इक्वल्स टू फ्लो, जितनी आपकी स्टॉक में चेंजेस होती रहती हैं उतना ही आपका फ्लो जो है वो होता रहता है। ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो कंपनीज हैं उनमें आप लोगों को कहते रहते हैं कि आपके पैसे की इतनी जो है उतार चढ़ाव होगी, वो सारा चीज़ इसी में, मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी चेंजेस हो रही हैं उसी लिहाज से हमारी कंट्री में जितना फ्लो हो रहा है वो पता चलता है हमें। स्टॉक्स आर बैलेंस शीट आइटम्स, ये आपका क्विज है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो क्या हैं, बैलेंस शीट आइटम्स हैं, मतलब आपने एक शीट पे जो है स्टेटमेंट दे देनी है। वाइल फ्लोज आर इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, ये बैलेंस शीट आइटम है कि आपका बैलेंस कितना बन रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब आपने कितनी अपनी चीज़ें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं या आपकी चीज़ें कितनी आप लोगों ने ली हैं, आपने लोगों से कितनी है, वो सारा जो है कर करा के आपका स्टॉक बनता है, बैलेंस शीट है, जबकि आपका फ्लो जो है वो इनकम शीट है कि आपको कितना इनकम दे रहे हैं या आपकी अपनी एक इकोनॉमी में कितनी इनकम एक इंसान को दी जा रही है और किस तरह से उनमें डिफरेंस आ रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं। अब ये जो डेफिनेशंस हैं ये कुछ ज़्यादा अच्छी हैं, वो देख लें। अ वेरिएबल आर मेजरमेंट दैट इज डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट इन टाइम, ठीक है, एज अपोज टू अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने किसी एक पीरियड के लिए जो चीज़ करनी है वो जो है स्टॉक में शामिल होगा। स्टॉक कैन ओनली बी मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है मेजर करना है अपने इनकम मॉनिटरी टर्म्स को, मनी को, तो वो आपकी स्टॉक में शामिल हो गए। फॉर एग्जांपल मनी इज द स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन डेट एग्जिस्ट राइट नाउ, आपका इस टाइम में जो स्टॉक है वो क्या है, मनी है, आपके पास जितने पैसे स्टॉक क्या होता है, आपने चीज को जमा किया हुआ, तो मनी जमा करते हैं उन्हीं के लिहाज से आपकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स और लेन देन ये सारी चीजें चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट स्टॉक मेजर्स आर पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट कैपिटल एंड बिजनेस इन्वेंट्रीज, ये सारी आपके स्टॉक में शामिल हो जाएंगी।
इनके क्विज भी आ सकते हैं कि आपकी जो है कौन कौन सी मेयर्स हैं जो स्टॉक में इंक्लूड होती हैं, और आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। फ्लो क्या है? अ वेरिएबल और मेयरमेंट डेट इज डिफाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट का टाइम इंस्टेंट यूज हो रहा है वर्ड, और यहाँ पे कोई इंस्टेंट वर्ड नहीं है। वो कह रहे हैं एज अपोज्ड एंड इंस्टेंट इन टाइम, ठीक है ना। वो क्या यहाँ ये दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, एज अपोज टू अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से नहीं चलना आपने, उसके अपोजिट चलना है। मतलब क्या हो जाएगा? इंस्टेंट इन टाइम। और यहाँ पे आपने पीरियड ऑफ टाइम पे चलना है फ्लो में, तो आपने अपोज कर लेना है इंस्टेंट इन टाइम के। अ फ्लो कैन ओनली बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड। ये आपका क्विज हो सकता है कि आपका फ्लो जो है वो कब मेजर होता है? ओवर अ पीरियड, एक पीरियड जो है उसके खत्म होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल देख लें, जी डी पी इज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। मैंने आपको ऊपर जी डी पी का बताया कि आपने जी डी पी जब कैलकुलेट करनी होती है वो एक साल का अर्सा दिया जाता है आपको, ठीक है। तो फ्लो क्या है? आपका वही जी डी पी कैलकुलेशन जो है वो फ्लो में शामिल हो जाती है। और इनकम इज अनदर फ्लो मेजर्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इनकम भी फ्लो की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मेथड्स ऑफ मेयरिंग जीडीपी। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विज में भी आ सकता है। देखिए मैंने येलो हाईलाइट किए हैं कि आप पूछ सकते हैं हाउ मैनी मेथड्स ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर मेयरिंग जीडीपी। आपको बताना चाहिए तीन मेथड है। फिर आपको तीन मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि नेम देम। आपने ये ग्रीन हाईलाइटेड में मैंने दिए हुए हैं। द प्रोडक्ट आर वैल्यू एडेड मेथड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड और फैक्टर इनकम मेथड। तीन नाम हो गए, और पांच नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आपने इसको एक्सप्लेन भी कर देना सारा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, द प्रोडक्ट आर वैल्यू एडेड मेथड जो है वो क्या है कि आपने सम कर देना है वैल्यू एडेड बाय द ऑल प्रोडक्टिव एंटिटीज इन द इकोनॉमी। आपकी जितनी भी इकोनॉमी में, आपके कंट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनकी जो प्रोडक्शन हुई है उनकी वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे तो वो आपकी जीडीपी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। आपने सम अप करना है, मतलब करना ऐड ही है। किनको करना है? द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। आपकी अपनी कंट्री में, आपकी अपनी इकोनॉमी में जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जो आपकी अपनी कंट्री में हो रही होती है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, लेन देन हो रही हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं कि आपने कितना खर्च किया है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स फाइनल गुड्स की हो रही हैं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है कि जारी बात है, अभी ये तो नहीं हम लोग कह सकते कि हमें जो है कार के पार्ट्स दे दो, हम लोग खुद उसको बना के जो इस्तेमाल कर लेंगे। तो फाइनल गुड क्या है? कार है। आपने उसकी कार को लेने के लिए जितना भी पैसा लिया उनको सम अप करते रहो और वो आपका जीडीपी कहलाएगा। द फैक्टर इनकम मेथड वो क्या होता है? जाहिरी बात है फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कौन से होते हैं? लेबर्स जिन्होंने अपनी इनकम लेनी होती है, तो उनकी जो इनकम्स हैं अर्नड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। अब जो लेबर्स मैंने एग्जांपल दी थी, लेबर्स ने क्या करना लेना होता है? अपनी वेजेस लेनी होती है, अपनी तनख्वाहें लेनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस जमीन पर काम करना है उसका भी तो आपने रेंट देना है। अब वो रेंट जो है वो किसी इंसान ने लेना है, ठीक है। वो इंसान जाहिरी बात है आपसे कोई ना कोई पैसा लेगा। उसके बाद जो है इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, आपने अपनी मशीनरी वगैरह ली है, अपनी फैक्टर प्रोडक्शन बनाने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए मशीनरी ली है, उसका भी आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना है, ठीक है। एंड इक्विटी ऑफ रिटर्न्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, आपने अपने जो पार्टनर्स को हैं उनको भी कोई ना कोई इनकम देनी है, उनको साथ लेके चलना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनकी जो इनकम्स हैं इनको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो बन जाएगा वो आपकी जीडीपी कहलाएगी, और ये होता है फैक्टर इनकम मेथड। आपके फैक्टर्स जितने भी हैं, और ये याद रखना है फैक्टर्स चार हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट, और उनको पैसे वगैरह मिलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। द थ्री मेथड्स आर इक्विवेलेंट, तीनों मेथड्स एक जैसे हैं। आप इससे जीडीपी निकालते हो, सेकंड वाले मेथड से निकालते हो, या थर्ड वाले मेथड से निकालते हो, तीनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। वन वे टू सी व्हाई दिस मस्ट बी सो इज बिकॉज इन एन एक्सपोज्ड सेंस। अब ये क्यों हम लोग कह रहे हैं कि तीनों मेथड एक जैसे हैं?
क्योंकि आपकी एग्रीगेट सप्लाई ठीक है वो आपकी डिमांड के बराबर होगी। जारी बात है अब हम लोगों ने कोई चीज बनाई है वो हम लोग किसी को देंगे ना, हमने क्यों बनाई है किसी को यूज, किसी के यूज के लिए, किसी को देने के लिए, तो हमारी जो चीज है वो सप्लाई होगी तो किसी और इंसान के लिए वो डिमांड बनेगी। ठीक है अब डिमांड वो बन गई, वो हमें पैसे देंगे तो हमारी वो है इनकम बन जाएगी, और वो एज अ होल हम लोग जब लेंगे जीडीपी निकालनी है तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी आपकी। मतलब आप तीनों चीजों को, तीनों मेथड से जीडीपी निकाल रहे हो तो आपकी वो जीडीपी सेम आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड से निकाल रहे हो ठीक है, प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं उनकी वैल्यूज को, उनकी जो प्राइस है उनको ऐड कर लो, उनसे उससे जीडीपी निकालो, या एक्सपेंडिचर्स जितने आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो हो जाए, या आपकी फैक्टर्स की इनकम, सबकी जीडीपी सेम आएगी। ठीक है नेक्स्ट है आपका, मैं देख रही थी लेक्चर नंबर ना हो जाए, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड की डेफिनेशन सिंपल सी है, इसको देख लीजिए, दो दो हैं तकरीबन ठीक है, इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार कह रही हूँ दो हैं, दोनों याद कर लें तो ठीक है, एक भी याद कर लें तो ठीक है, लेकिन दूसरी आपकी नज़र में होनी चाहिए। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स एंड सप्लाइज यूज इन द प्रोड्यूसिंग दैम, इन प्रोड्यूसिंग दैम। ठीक है आपने जितनी वैल्यू, जितनी चीज़ें बनाई हैं उनमें जितना आपका पैसा लगा है, और जितनी आपने मटेरियल्स को कॉस्ट, आपकी जो गुड्स जितनी भी आपने प्रोड्यूस की है उनमें जितना आपका पैसा लगा, उन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो जो चीज, जो पैसे बच जाते हैं वो आपकी वैल्यू एडेड कहलाती हैं। वैल्यू एडेड कंसिस्ट ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कंपोनेंट्स, ये तीनों चीजें आपकी शामिल होती हैं वैल्यू एडेड में। और वैल्यू एडेड की सेकंड डेफिनेशन है, वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सिंपल जो है डेफिनेशन आप लोग याद करना चाहें तो क्या है वो, कि आपने डिफरेंस करना है, माइनस करना है इनपुट्स और आउटपुट्स को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एडेड की होगी। उन्होंने एक एग्जांपल दे दिए हैं कि उनका जो स्पेंडिंग्स हैं, जो इनपुट्स उन्होंने लगाए हैं वो 500 है, और जो आउटपुट्स लगे हैं वो 750 हैं। मतलब इनपुट उन्होंने 500 का लगाया और उनको जो इनकम हुई है वो 750 की हुई है, तो वैल्यू एडेड जो होगा वो इन दोनों को माइनस करने के बाद 750 में से 500 माइनस किया, 250 जो है वो वैल्यू एडेड कहलाएगी। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन वैल्यू एडेड की आगे, वैल्यू एडेड इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ गुड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जितना भी आपने प्रोडक्शन का प्रोसेस किया है उसमें जितनी आपकी इंक्रीजमेंट हुई है वैल्यूज को गुड्स बनाने के लिए, जारी बात है अगर मैं कहूँ ये देखो हमने गुड्स बनाई है 500 की, लेकिन आपको इनकम हुई है 750 की, तो ये आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है और यही आपकी वैल्यू एडेड कहलाती है। अ गुड दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर सेटिस्फेक्शन हैड ग्रेटर वैल्यू, जारी बात है जितनी हमारी सेटिस्फेक्शन ज्यादा अच्छी होगी, सेटिस्फेक्शन क्या है कि लोग हमारी चीजों से मुतमइन होंगे तो हमारी चीजें वो उतनी ज्यादा बिकेंगी, हमारी चीजें जब बिकेंगी तो लो हमारी जो वैल्यू एडेड है वो उतनी ही ज्यादा होगी। फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इनकी भी दो डेफिनेशंस हैं, इनको देख लीजिएगा। फाइनल गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज बाय द एंड कंज्यूमर। फाइनल गुड, फाइनल से पता चल रहा है वो गुड्स जो तैयार होके आपने यूज करने हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो आपके पास तैयार चीज नहीं आती, आप उसे कोई और चीज बना सकते हो। ठीक है तो इसको देख लें, इनकी डेफिनेशंस को, इनकी एग्जांपल बड़ी अच्छी मेरे जहन में आ रही है, उनको बताती हूँ शायद अच्छे से समझ आ जाए। फाइनल गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज बाय द एंड कंज्यूमर, ठीक है वो लोगों की वो चीजें, या हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने चीजें यूज करनी होती हैं उनकी, वो गुड्स जो उन्होंने एज इट इज यूज करनी है। अब मैं आपको कहती हूँ कि जो चावल है, ठीक है अब चावल को बॉयल करके आपको मैंने दे दिए हैं, ठीक है इसमें आपको चावल बॉयल करके दे दिए हैं, आप उसको चावल बॉयल करके भी खा सकते हो, ठीक है वो हो गया फाइनल गुड्स के, आपको बॉयल चावल दे दिए आप उसको खा लो। फिर इंटरमीडिएट गुड के एग्जांपल ये है कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है, बॉयल चावल जब आए हैं आप उससे खीर भी बना सकते हो, उससे बिरयानी भी बना सकते हो, ठीक है जब आपके पास वो चॉइस होगी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, कि आप अपनी मर्जी से उस गुड्स को, उस चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है अब देख लें इनकी डेफिनेशंस, रादर देन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, आप उनको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, मैंने बॉयल चावल दिए वो एज इट इज आप यूज कर लोगे वो आपके फाइनल गुड कहलाएगा।
इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज डेट आर इंटेंडेड फॉर फर्दर प्रोसेस। इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जिसको आप फर्दर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फर्दर प्रोसेस क्या है, आप खीर बना लो चाहे आप बिरयानी बना लो, ठीक है। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एक आयरन रॉड है। अगर आपको आपके जहन में चल रहा है कि हमने आयरन रॉड लेना है और वो सिर्फ इसलिए लेना है कि जो चोर हैं उनसे बचने के लिए, तो मतलब वो फाइनल गुड के लाएगा, आपने उसे कोई और चीज़ नहीं बनानी। लेकिन अगर आपके माइंड में हो कि आपने उसे ऑटोमोबाइल बनाना है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरमीडिएट गुड के कैटेगरी में आएगा। आपने उस आयरन रॉड को बेंड करना है, मोड़ना है, जो भी करना है उसको करके आपने एक ऑटोमोबाइल चीज़ बनानी है, ठीक है। ये था आपका इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। जीडीपी माइट बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी जो है वो कब कैलकुलेट हो सकती है, मार्केट प्राइसेस में। मार्केट प्राइसेस में क्या क्या चीज आ जाती है आपकी, सेल्स टैक्स पेड बाय कंज्यूमर एज पार्ट ऑफ देयर फाइनल प्राइस। अब मैं आपको कहती हूँ कि हम जो है एक सिंपल माचिस की डिब्बी वो लेने जाते हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि 5 रुपए की है, तो उस पर जब हम लोग देखेंगे ना, नोट करना, कुछ पैसे और प्लस टैक्स लगा के आपको दिए जाएंगे इक्वल्स टू 5 रुपीज करके। तो हम लोग कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर जो खरीदने वाले चीज हैं, उन्होंने टैक्स पेड करना है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि माचिस मैच बॉक्स में से कुछ जो है मैचिस के स्टिक्स जो है वो निकाल लें, माचिस की तीलियां निकाल लें और हमें जो है टैक्स के बगैर वाली दे दें। हमने टैक्स भी पे करना है और वो पूरी चीज लेनी है, ठीक है। और एड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एक्सक्लूड सेल टैक्स। नेक्स्ट जो है आपका फाइनल गुड की डेफिनेशन फिर से आ गई है, अ गुड्स दैट इज अवेलेबल फॉर परचेज बाय द अल्टीमेट आर इंटेंडेड यूजर विद नो प्लान फॉर फर्दर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करके कोई और चीज बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपके पास फाइनल गुड है। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो सीक्स टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, आपकी मार्केट वैल्यू की जो फाइनल गुड्स होती है वही होती है ना। जितनी फाइनल गुड्स आपने तैयार कर ली है उनको ऐड कर लो तो आपके पास जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्विज के लिए है। फाइनल गुड्स आर परचेज थ्रू प्रोडक्ट मार्केट्स बाय द 4 बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स, ठीक है। आपके ये सेक्टर्स उन्होंने बता दिए कि आप लोग फाइनल गुड्स जो है वो परचेज कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर से, हाउस होल्ड्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, आपने हाउस होल्ड जो खरीदने हैं या परचेज करने हैं वो क्या हो जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। बिजनेस में आप लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, गवर्नमेंट में आप लोग गवर्नमेंट परचेजेस करते हैं और फॉरेन में हम लोग एक्सपोर्ट्स चीजें करते हैं, ठीक है। यही चीजें हैं फाइनल गुड्स, हमने चीजें बेचनी है। तो हाउस होल्ड्स में क्या हो जाता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। बिजनेस लेवल में हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के लेवल पे या गवर्नमेंट के साथ हम लोग परचेजेस करते हैं। और जब हम लोग फॉरेन में कुछ चीज़ करना था तो फाइनल गुड बना के जारी बताया, हम लोगों ने एक्सपोर्ट ही करनी होती है। इंटरमीडिएट गुड आर गुड आर सर्विसेज दैट इज यूज एज एन इनपुट आर कंपोनेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। इंटरमीडिएट है मतलब आपको एक चीज दे देगी, उससे आप फर्दर कोई चीज बना सकते हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर कंबाइंड इन टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं कि आपने उन चीजों को कंबाइन करके एक फिनिश प्रोडक्ट तक जा सकते हैं, मतलब हम लोग इंटरमीडिएट से फिनिश फाइनल गुड्स तक जा सकते हैं, लेकिन फाइनल गुड्स से इंटरमीडिएट गुड तक नहीं आ सकते। इंटरमीडिएट गुड विल बी फर्दर प्रोसेस्ड बिफोर सोल्ड एज फाइनल गुड्स। आपने जो चीज दी गई है उसको आप प्रोसेस करें, बॉयल चावल दिए हैं उसको आप प्रोसेस करें, खीर बनाएं, उसके बाद फाइनल गुड के तौर पे पेश कर दें, ठीक है। और खीर नहीं बनानी तो बिरयानी बना लें, बिरयानी बना के आप उसको परचेज कर लें। बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीक्स टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वही बात है कि आप जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हम लोग फाइनल गुड्स के तरफ जाते हैं। एंड बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, हम लोग जो है इंटरमीडिएट से फाइनल गुड्स तक जाते हैं, तो मार्केट्स का ट्रांजेक्शन जो है वो कैप्चर और ज्यादा हो जाता है। हम लोगों ने पैसे दे के किसी से लिए, बॉयल चावल लिए,
उसके बाद हम लोगों ने बॉयल चावल को बिरयानी बनाना है, उसके लिए मसाला चाहिए, उसके लिए घी, आपका गैस का कंजम्पशन होगा, वो सारी चीज़ें, तो आपकी और ज़्यादा जो है मेहनत लगेगी, पैसे भी लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम लोग डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने यही कोशिश करनी है कि हम लोग फाइनल गुड्स को लें और उन्हीं को कंज्यूम करें। ठीक है, यह आपका आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 38। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।